हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं थी विभागसु में, तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे घर, विभागसु वाले घर से जा रही हूँ नीचे घर। और ये देखो, ये है माता, ये मेरी दादी, हाय करीगा हाय, ये मेरी दादी है। और पीछे डैडी मेरे वेट कर रहे हैं जाने के लिए। बैग मैंने ले लिया है, कल मैं ऊपर से आई थी, बोल के घर में शाम था। आओ ठीक है, हम जा रहे हैं नीचे घर, और नीचे घर में जाके करने हमने धान काटने हैं, तो उसका ब्लॉग बना रही हूँ मैं। चलो चलते हैं नीचे घर। ऐसी खड़ी है हमारी गाड़ी, और गाड़ी है ब्लॉग, पापा है पीछे, तभी हमने गाड़ी में डालना है सामान। मैंने लिया सामान, ये देखिए बैग मेरा, ये है अपर भागसु। तो यहाँ नियर बाय कुकी वाला है मेरे मायके। हम पहुंच चुके हैं भागसु चौक से, हम जा रहे हैं घर। मम्मी यहाँ पानी भरते हुए रख गया तेरे फोन करिया, क्या है, कहाँ पहुंचे, ये लाना वो लाना। गाइस, मैंने कपड़े कर लिए हैं चेंज, और ये मैंने ली है चाय का सामान लिया हुआ सारा ब्रेकफास्ट का। तो अभी पल्लू, प्रज्ञा और मेरे मामा का लड़का जो वो खेत में, वो लोग धान काट रहे हैं, तो भी हम वहाँ जा रहे हैं उनके लिए चाय लेके जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं वो लोग, कितना काटा है उन्होंने और कितना नहीं काटा है। अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा काटा होगा, थोड़ा ही काटा होना उन्होंने। चलो चलते हैं लेके अपनी खेतों की तरफ। गाइस, ये है मेरे ताई का घर, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी बाकी। और ये आ गया है मैक्स, ये लक्की भाई स्वाति भाभी का कुत्ता है मैक्स। ये है हमारी गुना माता का मंदिर, ये हमारे माता का मंदिर है हमारा घर का। ये गुना माता का मंदिर है, इसको आपने पहले भी मेरे ब्लॉग में देखा होगा। तो ये हमारा मंदिर है घर का, और पीछे भी हमारे कुल देवता वगैरह का मंदिर है। तो ये वाले जो खेत आप देख रहे हैं, ये है हमारे खेत, आपने पहले वाले ब्लॉग में भी देखे होंगे। यहाँ पे मैंने ऊँट लगाया था, और ये देखो खेत पूरे ख़राब होके रखे हुए हैं। आगे मम्मी चली हुई है सामान लेके, पीछे मैं चली हूँ इनके लिए सामान लेके चली हुई है। और धूप देखो गाइस कितनी लगी है धूप। यहाँ पे होगा हमारा माइकल, तो अब यहाँ खेतों के बीचों बीचों से रास्ता ढूंढते हुए। और यहाँ पे देखो ओस गिरी हुई है, और ओस की वजह से गिल्ला है पूरा ही। वाय बड़ी तो बीन ना, एक और बड़ी ना, आज बड़ी ना, देखो गाइस, वो देखो मेरे फोन बंद है ना। तो ये देखो कौन है, ये
कहाँ है? सिद्धि कहाँ था? कहाँ तो सिद्धि? सिद्धि कहाँ तो? बस बस बस। खतरा खतरा ले यार इसको ਨਾ ਕਰਦਾ ਚਲ ਉੱਥੇ ਚਲ ਕਰ ਕੰਦੇ ਸਿਆਂਦੇ ਸਿ ਪੈਰ ਐਸ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਗਾਲ ਐਸ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਬਈ ਗੁਰ ਇਹ ਕੜੀ ਹਿੱਲੇ ਪੈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਈ ਗੁਰ ਲੈ 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 ਬਸ ਦੋਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਣੀ ਜੇ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪ ਇਤਨੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਾਮੀ ਸੁਬਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ 5 ਵਜੇ ਕੇ इसको देखिए अभी चली हुई है ये देखो ये पल्लू भैंस लगी इधर दे रिंकू लगा है साइड में ये देखिए प्रज्ञ का रिएक्शन प्रज्ञ ये देख क्या लाई गाग रहा है मेरा हो पानी बोतल ले यार दाऊ घर से जा चल पानी पी आते हां मत पे कुड़ी देना अरे सदान पे अरे तन पे जमे अच्छी लगा प्रज्ञ से हद लेकर लगा तो गाइस देखिए हमारी निकम्मी प्रेरणा चौहान भी लगी धान काटने गाइस ये देखिए मैं काट रही हूँ धान और धान काटने मेरे को अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें जो पकड़ना होता है तो एक ही साइड में एक जगह कहा जाता है बीच में कोई खिचड़ी नहीं होती पकड़ने का गाइस ये इसलिए नहीं बोल रही है ये इसलिए बोल रही है क्योंकि जो कनक होती ना वो जो होती वो ज्यादा होती है उसमें ज्यादा टाइम लगता काटने में और ये जो धान होते हैं इसमें कम टाइम लगता है काटने में क्योंकि ये मतलब कि एक जगह नहीं होते ये अलग अलग दूर दूर पे होते हैं लेकिन पर ये होते हैं कि इसमें एक एक ही जगह पे हमने पकड़ना होता है ये जो है ना अलग अलग होता है ये एक साथ इकट्ठे नहीं होते ये मिक्स नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ इसीलिए ये काटना ज्यादा अच्छा लगता है सीधा वाला जड़ आ को होते हैं हां जड़ एक ये मैं से रहने वास्ते इसको देखिए गाइस मुकेश तेरा पल्लू बुत्ती वाला मिंजो बगैर बच्ची मेरा वीडियो बना दी अगर आप लोग भी धान काटना चाहते हैं तो मेरे साथ संपर्क करें और मेरा गाइस इसको ना फ्री में ले जा सकते हैं इसको दाढ़ी देने की जरूरत नहीं आप लोगों को दाढ़ी नहीं गाइस आप लोग अगर मेरा धान काटना चाहते तो आप प्लीज मेरे साथ ये धान काटने आए उनको बहुत हेल्प की जरूरत है गाइस गाइस जब तक ये ब्लॉग अपलोड करेगी तब तक धान आप कट सारे कट चुके होंगे गाइस ये सारे खेत हमने काटने हैं और मैं आज ही ये ब्लॉग अपलोड करूंगी क्योंकि अब मैंने ज्यादा ब्लॉग डालने शुरू करने मैं बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं डाले गाइस इसको पैसा कमाना है पैसा बोलता है गाइस पैसा नहीं आ रहा है तभी तो कमाना है हेल्प करो थोड़ी मेरे को उसको देखिए दातुन का वो दातुन लग पड़ा करने धान काटते काटते ठीक है गाइस चलो मिलते हैं थोड़ी देर में काट लेते हैं अब काम कर लेते थोड़ा बाय बाय हम लोग जा रहे हैं बाजी खाने के लिए मैं और प्रज्ञा हम दो लोगों ने डाल दी है डिमांड यहाँ पे आया है बाजी बेचने वाला तो हमने बुलाया कि हमें बाजी चाहिए हमें पैसे दो और हम जा रहे हैं अभी बाजी लेने मम्मी आ लेंगे बाजी तो गाइस देखो हमने ले ली है यहाँ पे बाजी मैं पकड़ लेती हूँ और वो जा रही है कुछ लेके पानी पीना तो गया ठंडा ठंडा पी आते थे वो गंदा तो पानी क्यों हो गया हेलो गाइस तो ये देखिए ये है मेरा मैजिक वाला माइक तो क्या आप लोग मेरा गाना सुनना चाहते हैं अगर सुनना चाहते हैं तो पहले मेरे चैनल को लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल तो चलो गाइस मैं आज आपको अपना फेवरेट गाना सुनाती हूँ मुझे इतनी अच्छी सिंगिंग नहीं आती है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए ट्राई जरूर करूंगी
चलो स्टार्ट करते हैं मेरा फेवरेट सॉन्ग। ऐ वीर से आना कर मेरी जान सजना, ऐ वीर से आना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाए जहान सजना, एक दिन छड़ जाए जहान सजना, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, किसी गैर ते करिए की मान सजना, कभी साडा वी ते बन मेरे मान सजना, एक दिन छड़ जाए जहान सजना, एक दिन छड़ जाए जहान सजना, एक दूजे दा कदे ना दिल तोड़िए ना तोड़िए, मुख सजना तो कदी भी ना मोड़िए ना मोड़िए, बैके इश्क दी विड़ी आपां पार लंघना, बैके इश्क दी विड़ी आपां पार लंघना, अस तेरे नाल कीती सी जुबान सजना, अगर से आना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाए जहान सजना, एक दिन छड़ जाए जहान सजना। थैंक यू गाइस। अब इसके साथ मैं आपको अपना फेवरेट हिंदी सॉन्ग सुनाती हूँ, ये जो पंजाबी सॉन्ग है, फेवरेट हिंदी सॉन्ग सुनाती हूँ। मेरी किस्मत की हर एक पन्ने पे मेरे जीते जी बाद मरने के, मेरे हर एक कल हर एक लम्हे में है। ये वाला खेत हमने कर दिया खाली, अब हम लगे हैं उस खेत में, और ये बीच बीच में आप देख रहे होंगे आधे काटती हैं आधे रहने दिए, जो कच्चे हैं अभी वो हमने रहने दिए, जो पके हैं वो हमने काटती हुए हैं, क्योंकि पता नहीं कैसे आधे कच्चे रह गए आधे पक गए हैं, तो अगर हम इनको ज़्यादा पकाते तो इनके जो धान के जो बीजेस हैं वो गिर जाते, और ये तो बिल्कुल ही कच्चे अभी, ये देखिए। गाना गा दे, गाना गा दे, गा दे गाना। हाय इनको गा के लाख 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 इनको गा कर लाख 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 गाइस। खेत हमने काट दिए हैं चार, तो अभी हम जा रहे हैं घर को, अभी हम करेंगे लंच और रेस्ट, और अभी हम आएंगे 3-4 बजे वापस खेत की तरफ। चाय के बर्तन वगैरह हमने ले लिए हुए हैं, तो चलो चलते अब घर की तरफ। पापा ने घर में खाने को बना दिया होगा, देखते हैं पापा ने क्या क्या बनाया। चलो यहाँ सरप्राइज मिलते हुए, ये देखो मेरी चप्पल, ये वाली चप्पल, ये इस हरामी ने देखो गाइस, इसने मेरी चप्पल खा ली गाइस, आज इसने ना देखो मेरी चप्पल, हमने वहाँ खेतों से भेज दी थी ना, इसने मेरी चप्पल खा ली। ए तू ना खाई नहीं, ए ते खाई नहीं है, तूने खाई है माइकल, ते खाई नहीं,
इसने मेरी नई चप्पल देखो क्या कबाड़ा कर दिया इसका गाइस। ये देखो कल डाली थी मैंने गाइस ये चप्पल देखो। ये देखो 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 गाइस कितना वो है देखो भाई इग्नोर कैसे माल दिखाई दे। तो गाइस हम फिर से आ गए हैं वापस। अब हम लग गए हैं खेत पे 4 बजे। हमारी प्रज्ञा भी बहुत काम करती है, बहुत काम करती है। अभी बज चुके हैं 7:00 और हमारा खेतों का काम हो गया है खत्म तो नहीं हुआ, अभी 2 दिन के बाद जो कच्चे धान है उनको बाद में काटेंगे। चलो